वेलकम फ्रेंड्स, टुडे वी स्टार्ट द कॉम्बिनेशन सर्किट्स। इन द कॉम्बिनेशन सर्किट्स वी आर गोइंग टू परफॉर्म एडर। एडर दो टाइप के होते हैं आपके, हाफ एडर, दूसरा आपका फुल एडर। देन हम डिस्कस करते हैं हाफ एडर। हाफ एडर, हाफ एडर में आपके तीन मेन पॉइंट है। पहला, पहले कॉम्बिनेशन सर्किट देख लो क्या है। कॉम्बिनेशन सर्किट में क्या होगा, ये प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड करेगा, सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे, ठीक है। और प्रीवियस से आपका इसके कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। अब हाफ एडर के अंदर आते हैं। हाफ एडर का आपका इस टाइप से होता है, ये आपकी इनपुट होगी, इनपुट वन, इनपुट टू, ठीक है। और ये आपको प्रोड्यूस करेगा सम और कैरी ऐड करने के बाद, हाफ एडर। अब आप इसमें देखेंगे, हाफ एडर यूज टू ऐड सिंगल बिट, सिंगल बिट, ओके। दूसरा, इट डज नॉट टेक एनी, इट डज नॉट टेक कैरी फ्रॉम प्रीवियस इनपुट, प्रीवियस सम, ठीक है। ये कोई कैरी नहीं लेगा आपका प्रीवियस सम से, जैसे हम देखेंगे अभी इसको। इसके अंदर दो इनपुट होती है, हाफ एडर को हम स्टडी करते हैं, ए बी, इट प्रोड्यूस सम एंड कैरी, ठीक है। ये जीरो, ये वन, ये जीरो, ये वन, डबल जीरो, डबल वन, जीरो प्लस जीरो, सम भी जीरो आपका और कैरी भी जीरो। जीरो प्लस वन, सम वन आएगा आपका, कैरी तो आपकी नहीं है, जीरो। वन प्लस जीरो, सम वन, ये जीरो। और वन प्लस वन, वन प्लस वन, सम इज जीरो एंड कैरी इज वन, क्लियर है। अब आप सम एंड कैरी के लिए आपने एक्सप्रेशन बनाना है, और उससे ये तो आप सिंपली यहाँ पे देख लो कि सब में क्या हो रहा है। जब आपके इनपुट डिफरेंट है तो आपकी आउटपुट हाई आ रही है, दैट मीन्स ये एक्सओर गेट है। या आप के मैप से इसको सोल्व कर सकते हो। सम के लिए मैं कर रहा हूँ, सम के लिए कि दो वेरिएबल है तो आपको क्या बनेगा, तो दो के लिए चार बनेगा ना, ये आपको ये, ये आपको जीरो, ये वन, टू, ये थ्री, सम आपका कहाँ कहाँ पे है। ये है आपका जीरो, ये है आपका वन, ये आपका टू, ये आपका है थ्री।
सम वन कहाँ कहाँ है आपका? वन और टू पे, वन टू, और ये आपका वेरिएबल है ए और बी, ये जीरो ये वन और ये जीरो ये वन। अब देखो इस पेयर तो बन ही रहा आपका किसी वन का, तो ये अलग से एक पेयर बन, ये अलग से एक ग्रुप बन जाएगा, ये अलग से ग्रुप बन जाएगा। इसको नाम देता हूँ मैं ग्रुप वन, इसको नाम देता हूँ मैं ग्रुप टू। अब वन को मैं सोल्व करता हूँ, ग्रुप वन को मैं सोल्व करता हूँ, ग्रुप वन को सोल्व करता हूँ, तो मैं नीचे ले लेता हूँ, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब मैं ग्रुप वन के लिए सोल्व करता हूँ। ग्रुप वन में ए की पोजीशन क्या है? जीरो, एंड बी की पोजीशन वन है। तो जहाँ पे जीरो है उसको हम बाहर लेंगे, और जहाँ पे वन है वहाँ पे हम उसको एज ए नॉर्मल वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ पे ए, इस ग्रुप के लिए ए की वैल्यू क्या आएगी? जीरो, दैट मीन्स ए बार। ठीक है, और इसके लिए बी की वैल्यू, ये और ये वैल्यू आप देखोगे, ये वाली इस साइड में, ए के लिए ऐसे देखोगे, यहाँ वन है तो ये आ गया आपका बी। ठीक है, अब दूसरे ग्रुप को सोल्व करो। दूसरे ग्रुप के लिए मैं सोल्व करता हूँ, यहाँ ए की वैल्यू क्या है? ए है, और बी की वैल्यू आपकी बी बार। अब दोनों को आप फाइनल एक ऐड कर दो, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये क्या है आपका? एग्जोर गेट है। ठीक है, अब आपने ही सम के लिए भी करनी है, सॉरी सम के लिए तो हमने कर लिया, कैरी के लिए करो आप इसको, कैरी के लिए करो। कैरी आपके पास कितनी आई थी अभी, कहाँ कहाँ पे आई थी? तो सिर्फ थ्री पे आई थी कैरी, तो कैरी के लिए आप सोल्व करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये हमारा हो गया 0 1 2 3, यहाँ पे था ना, ये ए था ये बी था, आप कहीं भी ले सकते हो इसको, बी इसको ए ले सकते हो, कोई इशू नहीं वहाँ पे। और यहाँ पे क्या आएगा, इसके लिए ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकालो, तो कैरी के लिए मेरी होगी ए बी, मतलब सिंपल एंड ऑपरेशन इज देयर। ठीक है, अब मैंने इसे सर्किट बना देना है। सर्किट कैसे बनेगा? मेरे पास दो इनपुट हैं, ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या कराना है, ए और बी में एक्सोर करानी है। तो एक्सोर के लिए हम इसको दोनों को एक्सोर गेट में दे देते हैं। ये हो गया आपका सम। अब यहां पे कैरी के लिए वो क्या कर रहा है, दोनों का प्रोडक्ट कराना है। प्रोडक्ट कौन सा गेट करता है? एंड गेट करता है। तो हम यहां से इसको उठा लेते हैं ए को, और ये आ गया मेरा एक, तो ये आ गया, और एक ये आ गया मेरा, और ये आ गया मेरा कैरी के लिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मेरा ए बार बी प्लस ए बी बार, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा ए बी। क्लियर हुआ? दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।